नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पनावर पुलिस को मिली दूसरी बड़ी सफलता। क्षेत्र में चोरी की वारदात करने वाले गिरोह को वारदात करने से पहले ही धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, एसडीओपी करण सिंह रावत, थाना प्रभारी एमपी वर्मा, सहयोगी एसआई अशोक कनेश की टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए 3 हथियारबंद आरोपी जो थाना टांडा क्षेत्र को गिरफ्तार किया, इनके पास से फालिया हथौड़ी छेनी के साथ एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। आरोपियों से अन्य आरोपों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मामला आज हमने 401 आईपीसी और 25 बी आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया था। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पे रात्रिकालीन समय में हमारे द्वारा की गई थी। गश्त पार्टी में थे हम। उस समय मुखबिर से सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि गंधवानी थाना क्षेत्र की तरफ से खड़किया गांव के रास्ते से कुछ बदमाश चोरी की नीयत से आ रहे हैं मनावर क्षेत्र में। इस पर हम लोगों ने चिकली फाटे पर घेराबंदी की पुलिस पार्टी को ले जा करके, और वहाँ पे 3 लोगों को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा, जिनके पास में एक फालिया और औजारों में एक छेनी और एक हथौड़ा भी मिला। एक मोटरसाइकिल जो मिली वो भी चोरी की पाई गई, जो नेपा नगर क्षेत्र से चोरी गई थी। इस पे कार्रवाई की गई है। एक मोटरसाइकिल जब्त हुई है, एक फालिया धारदार जब्त हुआ है, एक छेनी और एक हथौड़ी मिली है इनके पास। आरोपी तीन हैं। एक आरोपी का नाम किस्मत है, ये निम्थल का रहने वाला है। एक आरोपी जीवन है, ये मगरधा गांव का निवासी है। और एक राहुल, ये भी मगरधा का निवासी है। ये इनका आपराधिक रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं। अनिल तोमर, मनावर की रिपोर्ट।